हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं ये शॉपी। फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है या फिर 5, 10, 50 ऐसे व्यूज आ रहे हैं या फिर आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की यूट्यूब कैसे काम करता है और आपका वीडियो कैसे यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, कैसे वायरल हो सकता है, कौन सा ट्रिक आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन सा गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहा, आप काफ़ी थक गए हैं या फिर आप न्यू यूट्यूबर और आपको व्यूज़ नहीं आ रहा फ्रेंड, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको पूरे अंत तक देखना चाहिए और इस प्रॉब्लम से हर एक यूट्यूबर स्टार्टिंग में गुजरता है क्योंकि उसे भी पता नहीं रहता है कौन सा ट्रिक अप्लाई करना चाहिए, कौन सा गलतियां नहीं करना चाहिए और यूट्यूब कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि आपका वीडियो को यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचाना है, कैसे वायरल करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको दो कीवर्ड डालना चाहिए, एक काफ़ी हाई सर्च वॉल्यूम वाला डालना चाहिए, कॉम्पिटिशन कितना भी हाई हो फर्क नहीं पड़ता है, और एक कीवर्ड होना चाहिए काफ़ी लो कंपटीशन वाला होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो जब भी आप वीडियो को अपलोड करते हैं ना तो YouTube उसे सजेशन में देता है। अब सजेशन में कैसे देता है कि जो भी टाइटल आपने डाल रखा अपने वीडियो का, अगर कोई भी बंदा उसे सर्च करता है तो आपका तो न्यू वीडियो है सर्च में तो आएगा नहीं, लेकिन अगर कोई भी वीडियो वहाँ पर क्लिक करता है, सर्च किया, मान के चलो आपका जो वीडियो का टाइटल है वो ये है, माई फर्स्ट वीलॉग वायरल कैसे करें, या फिर हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब वीडियोस, या फिर हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो अगर ऐसा कोई भी सर्च करता है और कोई वीडियो वॉच करता है तो उसके साइड में आप देखेंगे आपका भी वीडियो उसमें सजेशन में आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कीवर्ड का कंपटीशन कितना भी हाई हो, अगर आपका कीवर्ड अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ है। अब ऑप्टिमाइज कैसे आप करेंगे ये हम आपको वीडियो के बाद में बताएंगे, पहले स्टार्टिंग करते हैं टाइटल से। तो अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ तो वो साइट में आपका जरूर आएगा फ्रेंड्स, और वहाँ पे अगर आपका थंबनेल काफ़ी अट्रैक्टिव है तो वो क्लिक करेगा और इससे आपको व्यूज मिलेगा। अभी एक ही करके सारे बताएंगे, लेकिन पहले हमें टाइटल को ही अभी देखना है, उसको समझना है। तो इसमें जब हाई सर्च वॉल्यूम का आप देंगे ना तो उसमें भी आपका सजेशन में साइड में आएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई भी बहुत वीडियो को पूरा देखता है तो वो कीवर्ड रैंक होने का चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है, अगर वो कीवर्ड रैंक हो जाता है तो आपका वीडियो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और लो कंपटीशन कीवर्ड इसलिए क्योंकि जो लो कंपटीशन कीवर्ड होता है वो रैंक करना बहुत ही ईजी होता है, वो कम समय में आपका रैंक हो सकता है, और जब रैंक हो जाएगा तो आपके व्यूज़ तो बढ़ेंगे, लेकिन वायरल होने के लिए कोई तो ऐसा कीवर्ड होना चाहिए रैंक जो जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए आप मिक्स बनाइएगा। अब कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, तो जो कीवर्ड आप टाइटल में डाल रहे हैं वीडियो का वो कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और सेम आपको कीवर्ड डाल देना है टैग में भी। अब टैग का कोई बहुत बड़ा मेजर रोल तो होता नहीं है यूट्यूब में, लेकिन वो टैग का यूज़ कब करता है यूट्यूब, जब वो कन्फ्यूज हो जाता है। अब कन्फ्यूज से मेरा क्या मतलब है कि टाइटल आपने कुछ और डाल दिया, डिस्क्रिप्शन आपने कुछ और डाल दिया, और टैग में आप जो कीवर्ड डालेंगे उसे फिर वो कंसिडर करता है कि ये वीडियो जो है वो इस टाइटल पे ही है, इसका ये टॉपिक है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपका जो टाइटल का कीवर्ड होना चाहिए, आपने दो कीवर्ड डाला है वो दोनों कीवर्ड आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए और आपके टैग में भी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप टाइटल समझ गए हैं, आपको रिसर्च करना है, एक लो कंपटीशन का होना चाहिए और एक काफ़ी हाई सर्च वॉल्यूम का होना चाहिए, और जो हाई सर्च वॉल्यूम और हाई कंपटीशन भी है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, इस बात को आप समझिए, क्योंकि जो यूट्यूब है वो सजेशन में दे रहा है, वो आपके कीवर्ड सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि वो सर्च रिजल्ट में तभी आपका वीडियो आएगा जब कीवर्ड रैंक करेगा। और रैंक कैसे करेगा, आपका यूट्यूब चैनल तो पूरा न्यू है और YouTube आपके चैनल को जानता भी नहीं है, उस पर ट्रस्ट भी नहीं करता है। YouTube 2 महीना लेता है आपके वीडियो, आपके YouTube चैनल को ट्रस्ट करने के लिए। वो हिस्ट्री देखता है कि आप कैसा वीडियो बना रहे हैं, आपका वीडियो किस टॉपिक पे है, कहीं आप कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, या फिर आप हो सकता है 1 महीने के बाद ही फ्रस्ट्रेट हो जाए, कोई व्यूज़ नहीं आ रहा है, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहा, आप छोड़ दें। तो ये सारा हिस्ट्री जो है YouTube 2 महीने तक देखता है, तब जाके वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है YouTube का भी, और उसके बाद आपका व्यूअर्स भी बनते जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपका जो वीडियो है वो रैंक होना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ रैंक हो सकता है। उसका कंडीशन ये है कि जब भी सजेशन में आपका वीडियो आता है और जो भी उस वीडियो को देख रहा है अगर उसको पूरा देखता है या फिर 70-80% भी देखता है तो यूट्यूब समझता है ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है और उसे और ज़्यादा प्रमोट करता है और लोगों तक लेके जाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे 70-80% देखने लगते हैं तो वो यूट्यूब समझता है कि काफ़ी यूजफुल है
और प्रॉब्लम सॉल्व में तो उसे वो वायरल कर देता है, वो कीवर्ड रैंक होता है, और रैंक होने के बाद आपने जैसा कीवर्ड डाला जितना सर्च वॉल्यूम है उस हिसाब से वीडियो यहाँ से यहाँ पहुँचता है, वो रैंक होता है फ्रेंड। तो आपको समझना है ये बात, पहले तो टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ही बेस पे सजेशन में आता है, और टाइटल आप जैसा डालेंगे, कीवर्ड जैसा डालेंगे वैसे ही वो आपका रैंक होगा, ठीक है। अब जब सजेशन में आता है तो आपका थंबनेल कैसा होना चाहिए, पूरा आई कैची होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, क्लिकेबल होना चाहिए, आपको ये समझना होगा। अगर आपके वीडियो पे इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं हो रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आपको अभी और ज्यादा काम करना है अपने वीडियो के थंबनेल पे, क्योंकि जब तक वो क्लिकेबल नहीं होगा लोग क्लिक नहीं करेंगे। यानी कि इंप्रेशन आ रहा है मतलब यूट्यूब उसको सजेशन में तो लेके जा रहा है बट जो देख रहा है वो उसे क्लिक नहीं कर रहा, तो आपको थंबनेल और भी ज्यादा बेहतर बनाना होगा, क्लिकेबल बनाना होगा, तो व्यूज आएंगे। अब क्या होता है कि लोग आपके वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन देखते ही वो तुरंत चले जाते हैं, तो अगर ऑडियंस रिटेंशन नहीं बनता तो उसका कीवर्ड रैंक नहीं होगा और वो वायरल नहीं होगा फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। आपको कंटेंट ऐसा बनाना है कि कुछ सेकंड में ही यूजर इंटरेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाए, एंगेजमेंट इतना बढ़े कि वो मजबूर हो जाए कि आपका वीडियो को पूरा देखे, ऐसा वीडियो आपको बनाना है फ्रेंड। सबसे ज्यादा वो कंटेंट में ध्यान देना है कि वो एक यूजर एंगेजमेंट पूरे अंत तक बना के रखे। जैसे मेरा ये वीडियो है अभी, इसमें ट्रिक की बात कर रहे हैं या फिर यूट्यूब कैसे काम करता है, तो ये जानना हर एक यूट्यूबर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर आपका वीडियो कैसे वायरल होगा या फिर आपके पास पेशेंस कैसे रहेगा। आप तो समझेंगे कि यार व्यूज नहीं आ रहा, अब ये नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका वीडियो डिपेंड करता है कि कितने लोगों तक उसका, मतलब अगर मान के चलिए यूट्यूब प्रमोट कर रहा है आपके वीडियो को और सारे जो जो भी उसे देख रहे हैं वो क्लिक कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, तो बहुत कम समय में 3 दिन में वायरल हो सकता है, 7 दिन में वायरल हो सकता है, लेकिन मान के चलिए आपका इंप्रेशन तो आ रहा है, क्लिक बहुत कम हो रहा है, तो यूट्यूब को ये समझने में बहुत समय लगे कि ये वीडियो कैसा है, ठीक है। तो आपका जितना ज्यादा क्लिक होगा और जितना ज्यादा यूजर्स देखेंगे उतना जल्दी ये वायरल होगा। ये हो सकता है 11 घंटे में वायरल हो जाए, हो सकता है 1 दिन में वायरल हो जाए, ये डिपेंड करता है कि जो आपका वीडियो देख रहा है। पहले से भी इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, इंप्रेशन के साथ साथ वो क्लिक भी होना चाहिए, इंप्रेशन को आपको क्लिक में कन्वर्ट करना है और वो आपका थंबनेल ही करेगा। और एक बार क्लिक हो गया तो यूजर एंगेजमेंट, जो व्यूअर एंगेजमेंट है, वो आपको बनाना होगा। आपका वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन यहाँ से यहाँ होना चाहिए, 70-80% होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट वैसा है तो बहुत जल्दी वायरल होगा। अब जो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, वो एक न्यू यूट्यूबर या फिर जो आपका बहुत दिनों से बना रहा लेकिन व्यूज नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर्स नहीं बन रहे, उनके लिए भी उसी तरह से काम करता है जैसे एक टॉप लेवल का यूट्यूबर्स के लिए काम करता है जिनके पास 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर्स है। बट उसमें अंतर क्या होता है कि जब आपका न्यू चैनल होता है तो आपके पास सब्सक्राइबर्स नहीं होते, तो आपके पास प्रमोशन का एकमात्र सोर्स रहता है यूट्यूब। यूट्यूब जो सजेशन में दिखा रहा है आपका टाइटल के बेस पे, बस उतने ही आपका प्रमोशन होगा। अगर वो 5 दिन को दिखा रहा है तो 1 दिन में बस 5 जन दिखेगा, उसे तक क्लिक करे या नहीं करे। लेकिन जिसके पास 10-20-30 लाख सब्सक्राइबर्स है, जैसे ही वो एक वीडियो डालता है, अगर उसका टाइटल में कीवर्ड नहीं भी रहता तो जितने सब्सक्राइबर्स है वो सारा का सारा उसे देखने लगते हैं, क्योंकि उसने एक ट्रस्ट बिल्ड कर रखा होता है। तो सारे जो भी उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 70-80% 100% वीडियोस देखते हैं, तो उस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन काफी हाई होता है, इसीलिए उस वीडियो का कीवर्ड तुरंत रैंक हो जाता है। और जैसे आप सर्च करेंगे तो 1 घंटा भी नहीं हुआ रहता लेकिन उनका टॉप पे आ जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं तो आपका टाइटल में कीवर्ड 2 होना चाहिए, एक तो काफी हाई सर्च वॉल्यूम वाला और एक लो कॉम्पिटिशन होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कीवर्ड से मतलब नहीं है, सिर्फ टाइटल से मतलब है। जो आप टाइटल दिए हुए हैं उस टाइटल को अगर कोई सर्च करता है तो आपका वीडियो सर्च में नहीं मतलब जो वीडियो देख रहा है वहां पे सजेशन में आपका राइट साइड में आ जाता है फ्रेंड। तो उससे ही आपका थंबनेल अब डिपेंड करता है कितना क्लिकेबल है, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव क्लिकेबल आई कैचिंग होगा वो यूजर या व्यूअर उतना क्लिक करेगा, जितना क्लिक करेगा तो चांसेस रहेगा आपका वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ने का। और ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक ऑडियो क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा सा माइक होना चाहिए, और जैसा कि जो सॉफ्टवेयर चाहिए एडिट करने के लिए उसका वीडियो मैंने बना रखा, आप वहां से देख सकते हैं, वीडियो के लिए भी, ऑडियो के लिए भी, और थंबनेल के लिए मैंने बता रखा है। जो टॉप लेवल का यूट्यूबर्स भी यूज करते हैं तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपका वीडियो भी क्लियर होना चाहिए, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ऑडियो। और एक यूजर एंगेजमेंट बनाना आपको पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। अब ट्रिक की बात करें तो आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, जो भी टाइटल पे आपने वीडियो बनाया उस टाइटल को आप सर्च करिए यूट्यूब में, और आप देखिए जो भी न्यू यूट्यूबर है और जिसका
मतलब पहले आप जितना भी वीडियो उसने डाला उसमें 100-150 ऐसे व्यूज होते हैं, और कोई एक वीडियो जिस वीडियो का टाइटल पे आपने भी वीडियो अपलोड कर रखा उसको देखिए, अगर उसमें ज्यादा व्यूज आया है तो उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, उसका कीवर्ड्स देखिए, उसका टाइटल देखिए, और आप भी कुछ वैसा ही डालिए या फिर वैसा ही कुछ अपना डालिए जो आपका कंटेंट से मिलता जुलता हो, तो फिर आप देखेंगे कि आपका ये जो वीडियो है वो बहुत जल्द वायरल होगा फ्रेंड्स। तो आपको सीखना है कि एक कंटेंट, वायरल कंटेंट या फिर यूजर एंगेजमेंट वाला कंटेंट कैसे बनाना है, क्योंकि जब तक आपके वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन हाई नहीं होगा, कीवर्ड रैंक नहीं होगा, कीवर्ड रैंक नहीं होगा तो फिर आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, और यूट्यूब को आपके चैनल पर ट्रस्ट करने में समय लगता है। कुछ कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिसमें यूट्यूब बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, जैसे कि मेरा भी ये चैनल है ये शॉपी, ये 4-5 दिन पुराना ही चैनल है, मेरा ये पहला चैनल नहीं है, मेरा दूसरा भी यूट्यूब में चैनल है, तो जो भी मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल पे अब यूट्यूब का ट्रस्ट हो चुका है, तो इसीलिए आपका चैनल देखेगा यूट्यूब। अगर आपका वीडियो सही रहेगा, कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा, कहीं से कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं रहेगा, तो आपका भी ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड होगा, और डिपेंड करता है जितना जल्दी आपका वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ जाएगा, कीवर्ड रैंक होगा, और कीवर्ड रैंक होता है फ्रेंड तो फिर बस वीडियो वायरल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।